हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ नर्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं उन सारे बच्चों के डाउट क्लियर करने वाली हूँ जो सारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हमें बी फार्मा करना चाहिए या डी फार्मा करना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो यही बताऊँगी कि जो बी फार्मा की कोर्स है वो 4 साल की कोर्स है और जो डी फार्मा की कोर्स है वो 2 साल की कोर्स है, जिसके लिए बच्चे यही सोचते हैं कि अगर हम बी फार्मा करेंगे तो हमें 4 साल लगेगी और 4 साल के बाद हमें लाइसेंस मिलेगी, हम मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे या हम जॉब कर सकते हैं। और अगर हम डी फार्म कर लेंगे तो हमें 2 साल के बाद हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो हम किसी भी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कंफ्यूजन रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डी फार्मा में एडमिशन्स ले लेते हैं और फिर बाद में जब तक उनको समझ में आता है कि बी फार्मा का वैल्यू क्या है तब जाके वो और एक्स्ट्रा 2 साल लगाते हैं और लेटरल एंट्री लेके वो क्या करते हैं, बी फार्मा में एडमिशन्स लेते हैं। सो गाइस, मैं यही बताऊंगी सबसे पहले तो कि जो बी फार्मा है, बी फार्मा करने की फ़ायदा क्या क्या है, डी फार्मा से ज़्यादा हमारी बी फार्मा में बेनिफिट कैसे है। देखिए, जो बी फार्मा की कोर्स है ना, भले ही वो 4 साल की कोर्स हो लेकिन उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बी फार्मा करने के बाद अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है और अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो फार्माकोलॉजी से, फार्माकोग्नोसिस से, फार्मास्यूटिक्स से और अदर अदर सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। फिर उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। इसके साथ साथ आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हो बिकॉज आपके पास बी फार्मा की डिग्री होता है। उसके साथ साथ भी जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं तो उन सारे कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, तो इन सारी कंपनी में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका वहाँ पे भी मन नहीं लगे तो आप अगर चाहोगे कि मुझे नहीं हॉस्पिटल में काम करना है तो आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो एज अ डिस्पेंसिंग वार्ड में। और उसके साथ साथ भी कोई अगर चाहे कि हमें क्लिनिकल रिसर्च में या क्लिनिकल ट्रायल पे जाना है, किसी भी मेडिसिन की रिसर्च करना है, तो वो फील्ड में भी आप जा सकते हैं। सो गाइस, देखिए, अगर बी फार्म आप करते हो ना तो आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस रहता है, ठीक है। अगर एक फील्ड में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो लाइसेंस मिलता है, उससे आप एक मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो, अपना खुद की बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा के जो कोर्स है ना वो 2 साल की है, भले ही वो कम दिन में ख़त्म हो जाता है लेकिन उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। डी फार्मा के कोर्स करने के बाद आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है उससे एक लाइसेंस आपको मिलेगा, उस लाइसेंस से आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो और आपका खुद का बिजनेस कर सकते हो। और इसके साथ साथ किसी भी हॉस्पिटल में अगर वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पर डिस्पेंसिंग में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सो गाइस, इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप लोग बी फार्म करिए, भले 4 साल लग रहा है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बी फार्मा में बेनिफिट ज़्यादा है डी फार्म की अकॉर्डिंग। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने ऐसे देखा है, जो लोग क्या है डी फार्मा कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, लिटरल एंट्री लिए हैं सेकेंड ईयर में और फिर बाद में वो लोग बी फार्मा भी कम्प्लीट किए हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन बताई कि डी फार्म एंड बी फार्म के बारे में क्या डिफरेंस है और डी फार्म अगर आप करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगी एंड बी फार्म करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगी। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये लेके आऊँगी कि अगर कोई बच्चे बी फार्म में एडमिशन्स लेना चाहते हैं या डी फार्म में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, डायरेक्ट बेसिस पे कैसे एडमिशन्स होगा, मेरिट बेसिस पे कैसे होगा और फिर बाद में उनके एंट्रेंस के थ्रू कैसे एडमिशन्स होता है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप।